नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के अंदर मैथमेटिक्स के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या का 10% वृद्धि हुआ। दोस्तों अगर मैं मान लेता हूं कि 20,000 जो जनसंख्या है और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी होती 10 की, तो कितने हो गए 110 हो गए। दूसरे वर्ष कितने हुए दोस्तों, दूसरे वर्ष हुए हैं 15% वृद्धि, तो 115% वृद्धि हो गई। उसके बाद में सवाल पूछा है, उनके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो कैसे करना है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेरे पास में कितने हैं, 20,000 स्टूडेंट है, यानी 20,000 जनसंख्या है। 20 का 110 बटा 100 इंटू 115 बटा 100। अब इनको क्या करेंगे, फटाफट से इसका एनालिसिस कर देंगे। देखिए 20 से 20 कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल। अब आपका क्या बचा है दोस्तों, अब आपका बचा है यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर बचा है 110 और यहाँ पर बचा है 115। तो दोस्तों मैं आपको 2 × 110 × 115 करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इनसे गुणा कर लेता हूं तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो मैं कर रहा हूं 2 × 115, तो कितने हो रहे हैं 230 हो रहे हैं। अब मेरे पास 230 है, अब 230 को मैं 111 से गुणा करूंगा तो दोस्तों मेरे पास में बराबर में आ जाएगा 20 से 20 मैं पीछे लिख लेता हूँ कि मेरे पास 20 है, 20 में लिख लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे 11 × 3 = 33, हंसल की 3, 11 × 2 = 22, 22 × 3 = 25। तो मैंने पूरे शहर की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या कितनी हो गई दोस्तों, 25,300। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि उसके बाद यानी इनके बाद 300 व्यक्ति अन्य शहर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मेरे पास में 300 मैं इनमें से माइनस करूंगा तो पीछे कितने बचे 25,000, कितने बचे दोस्तों 25,000। तो ये आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 25,000 आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों पहला प्रश्न समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दो घोड़े हैं आपके पास में। तो दोस्तों ऐसे अगर प्रश्न पूछे तो इसको देखिए, दोनों घोड़ों का वेट देखिए, दोनों घोड़े हैं 300 रुपये में, बेचे कितने 300 रुपये में। तो दोस्तों ऐसा हमेशा आए तो जैसे पहली बार हानि और दूसरी बार लाभ आए, तो दोस्तों 100% क्या होगा, हानि होगी, क्या होगी हानि। तो इनमें से ये तो आपके कट गए, अब दोस्तों कितना होगा, 100% हानि होगी क्योंकि पहली बार हानि है और हानि लाभ है, तो 100% हानि होगी। अब दोस्तों देखते हैं इसका क्या, किस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। इसका एक सूत्र, इसका क्या है, जैसे कुल हानि ज्ञात करना, इसके अंदर दे रखा है कि कुल कितने मिलाकर लाभ या हानि। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहली बार हानि लिखा है तो 100% हानि, तो हानि कुल हानि, कुल हानि बराबर एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बटा 100। अब दोस्तों कुल हानि कितनी है 25%, तो दोस्तों 25 ये है 25 ये है, तो कुल हानि हो गई 25 का स्क्वायर बटा 100। अब देखिए दोस्तों 25 क्या है, 25 × 25, तो दोस्तों यहाँ पर मैं करूँगा 625 बटा 100। अब मेरे पास में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ से आपसे निकाल देता हूँ तो पहले सबसे बार क्या आएगा 6 बार, फिर ऊपर कितने बचे 25 और नीचे कितने बचे 10 बचे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एनालिसिस किस प्रकार से आपको करना है, तो ये आपका हो गया। अब इसे देखिए 6/5 बार ये 25, ये 1 बार गया और ये 4 बार गया, तो 1/4 गया, 1/4
चार गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 1/4 हो गया। और मैंने आपको बताया है पहली बार हानि है तो 100% हानि, अगर पहली बार लाभ होगा तो 100% लाभ होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 प्रश्न हमने कर लिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है अतुल अपनी मासिक आय का 5,100 रुपए खर्च करने के बाद 15% की बचत कर लेता है। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बता देता हूं कि 100% क्या करता है दोस्तों, 100 रुपए क्या करता है उनकी आय मानते हैं, कितनी है आय। अब उसमें पूछा है कि 15% क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। तो 15% क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। पीछे कितना बचा, 85 बचा। कितना बचा है, 85। और दोस्तों 85 कितने हैं, 5,100 के बराबर है, 5,100 के बराबर है। अब दोस्तों क्या करना है, अब करना क्या है, अब मुझे क्या करना है, इसकी मासिक आय याद करनी है। तो मेरे पास में जो 5,100 रुपए हैं, 100 है, ये किसके बराबर है, 85 के बराबर। और मुझे क्या ज्ञात करनी, कुल आय ज्ञात करनी है, तो इनटू मैं 100 कर लूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा। अब ये जो आपका एनालिसिस है 17 से कट जाएगा, 17 पांच बार और 17 तीन बार कट गया। अब दोस्तों देखेंगे क्या बचा है, ये 5 से ये 2 बार चला गया। अब देखिए मेरे पास ऊपर कितने बचे, 300 बचे, नीचे कितने बचे, 20 बचे। तो इनटू करेंगे तो मेरे पास में 3 × 2 = 6 और 2 × 0 = 2 = 1 कितना हुआ, 6,000। तो दोस्तों अतुल की मासिक आय कितनी है, 6,000 रुपये। कितने हैं, 6,000 रुपये। तो दोस्तों हमने 3 प्रश्न कर लिए, तीनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया चौथा प्रश्न, तो यहाँ चौथा प्रश्न आपको ध्यान में रखना। एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद, दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि मेरे पास एक व्यक्ति है, उसका 100% वेतन है, उनका 50% कम करेंगे तो दोस्तों 100 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। अब क्या कह रहा है देखिए, उसके बाद घटे वेतन में 70% की वृद्धि। तो दोस्तों पहली बार 100 में से 50 गए और दूसरी बार फिर क्या हुआ, 70% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, 170 हो गया। कितना हो गया, 170। प्रश्न को आसान से समझे तो एक बार आपके पास 50 है, एक बार 170 है, किसके बराबर ज्ञात करना, 100 के बराबर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 50 × 170/100। तो दोस्तों पहली हमने कितनी मानी, 100 मानी, 0 से 0 0 से 0 कट गया। अब 17 × 5 करेंगे तो कितना हो रहा, 85। कितना हो रहा, 85 हो रहा है। अब दोस्तों सवाल पूछा क्या है, 85 है। अब मैंने पहले कितना माना, 100 में से 85 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 15 क्या आएगी, हानि आएगी। क्या आएगी, हानि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 15% की हानि। क्या है, 15% की हानि। देखिए जीरो बैच से हर स्टूडेंट को आपको ध्यान रखना है, तो इसका राइट आंसर हो गया 15% की हानि। क्योंकि 100 रुपये माने थे, 100 में से 15 मेरे आ गए, अगर मेरे यहाँ पर 115 आते, कितने आते, 115, तो 100 में से मैं 115 लेस करूँगा तो मेरे पास में क्या हो जाता, लाभ होता। लेकिन मेरे पास में ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों समझ में आया होगा जो प्रश्न नंबर आपका 4 है। अब हम प्रश्न नंबर करेंगे 5 और आज का अंतिम प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न को रट लेना है, आयु से संबंधित है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राम श्याम घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है। अब दोस्तों तीनों की आयु ज्ञात करनी, यानी राम है इनटू है, श्याम है इनटू जी घनश्याम है, तो कुल औसत है 20। तो अब 20 × 3 करेंगे तो कुल मिला के मेरे पास में आयु कितनी आ जाएगी, 60 वर्ष आ जाए। कितनी वर्ष आ जाएगी, आयु कितनी हो गई, 60 वर्ष आ गई। अब पूछा है उसके
उसकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। अब पूछा है राम की आयु, तो दोस्तों राम का अनुपात कितना है? 2 राम का अनुपात है, और कुल देखिए राम का अनुपात 2 है। अब अनुपातों का योग क्या करना है? अनुपातों का योग, अब दोस्तों जैसे अनुपातों का योग करेंगे 10 आएगा, और तो अनुपातों का योग इनटू कुल आय, कुल कितनी है, कुल जो आपकी उम्र कितनी है 60 वर्ष है। अब इसका एनालिसिस कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा? 12 वर्ष। राम की आयु कितनी हो गई दोस्तों? 12 वर्ष। पूछा किसकी है? राम की पूछी है। अगर आपसे पूछे श्याम की आयु, क्या पूछे? श्याम की आयु, तो श्याम कितना है? 3 है। अनुपात कितना है? अनुपातों का योग कितना है? 10 है। कुल कितनी है? कुल कितनी है? 60 है। तो दोस्तों कुल 60, 0 से 0 कैंसिल, कितने हो गए? श्याम के बारे में पूछा है, श्याम के बारे में पूछा है, तो श्याम की कितनी होगी? 18 वर्ष। अब दोस्तों घनश्याम की आयु का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? एसएससी एमटीएस के अंदर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी मेरे पास प्रश्न है, एनालिसिस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे। धन्यवाद।